कहते हैं जिस देश में गाय को माँ का दर्जा दिया जाए वो देश कितना महान होगा, जिस देश में जल को जल की पूजा की जाए वो देश कितना महान होगा। आज मैं आपको एक ऐसे कैंसर रोगी से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने मात्र 2.5 महीने में कैंसर को हरा दिया। लगातार तेज सिर में दर्द, खून आना और बहुत सारी समस्याएं, उन तमाम समस्याओं के बाद सभी समस्याओं से बाहर निकल के सारे लक्षण खत्म किए और आज इनकी सारी रिपोर्टें सामान्य हैं और चेहरे का चमक आप देख सकते हो। तो सबसे बड़ी बात इस रोगी के पीछे जो था, इनके घर में देसी गौमाता थी और इनके घर के सारे बर्तन, इनकी धर्मपत्नी जो पीछे आप वीडियो में देख रहे हो, सारे बर्तन उन्होंने चेंज किए, मिट्टी के बर्तन लेके आए और उन्होंने सभी नियम, जितने नियम गुरुकुल ने बताए सभी का पालन किया। तो मैं रोगियों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि आप सोचते अगर ये है कि दवा की बोतल मात्र से आपकी बीमारी ठीक हो सकती है तो वो संभव नहीं है। आपको दवा के साथ साथ परहेज, अपने घर के बर्तन, वातावरण और मन के विचार भी सात्विक करने होंगे। तो मैं आपको रोगी से बात करवाता हूँ। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह नाम है सर। लक्ष्मण सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर से आया हूँ मैं, जयपुर में रहता हूँ। पता नहीं क्यों जयपुर के ही सबसे ज़्यादा कैंसर के रोगी ठीक होते हैं। मैंने देखा जयपुर में गाय बहुत लोग रखते हैं, देसी गाय रखते हैं सब। देसी गाय रखते हैं। एक बच्चेदानी के कैंसर का रोगी भी जयपुर से ठीक हुआ था। तो आपका जयपुर में पता पूरा बता दें, कभी आना हो तो एक रात आपके यहाँ बिताएंगे। जरूर जरूर साहब, कृपा करें हमारी। हाँ हमारा पता है सदा विहार फर्स्ट, प्लॉट नंबर 132, अरमाड़ा सीकर रोड, जयपुर। अरमाड़ा सीकर रोड, जयपुर। जयपुर। तो क्या क्या समस्याएं थी यहाँ आने से पहले? मेरे आने से पहले नाक में कैंसर था मेरे। स्वाभिमान सिंह हॉस्पिटल में जांच करवाई, उन्होंने बायोप्सी करी और कैंसर घोषित कर दिया। हमने आपका वीडियो देखा, 31 तारीख को हमने वो रिपोर्ट दी और 2 तारीख को वीडियो देखा और 3 तारीख को हम संडे को यहाँ पहुँच गए, तुरंत वीडियो पहुँच गया। पहले क्या क्या समस्याएं होती थी? मेरे सर में दर्द होता था और ये गर्दन में पीछे बहुत ज़बरदस्त दर्द होता था। पूरे दिन मैं दवाइयाँ लेता था, यूरो के डॉक्टरों से मैंने खूब इलाज करवाया, कोई फ़ायदा नहीं मिला। दवाई लेता हूँ जब तक असर रहता है, बाद में वापस वही कंडीशन हो जाती है। दवाई का जैसे ही नशा खत्म हुआ और वापस दर्द हो जाता है। आपकी दवाई लेने के बाद मुझे गौमाता और प्रकृति माँ की दवा, मेरा कोई कुछ नहीं है। बताएं कि गौ माता की कृपा रही, मैंने आपने जो बताया नेम वो सब, नीम का पेड़ का सुबह सुबह जूस पीना और गौमूत्र सुबह डेली पीना और आपके जितने काढ़े बताए हुए थे वो सब काढ़े लेना और खाना के लिए आपने मूंग की दाल, मूंग की रोटी बताई वो, उसके अलावा मैंने दूसरी चीज़ यूज नहीं करी। शुगर था मेरा, शुगर भी बिल्कुल कंट्रोल हो गया आपकी दवाई से और अभी मेरे कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा ये दर्द है जो ये भी भगवान आपकी कृपा से ठीक कर देंगे। तो अब मैं इनकी रिपोर्ट भी आपको दिखाता हूँ। इनकी रिपोर्ट है वो 1 जून की रिपोर्ट है, ये देखिए। शरीर से आपको दिखा दिया, 5 से कम होना चाहिए और रिपोर्ट है 1.97, ये देख लीजिए। तो समाज को ये निर्णय करना है कि पेड़ पौधों को बचाना है, वनस्पतियों को बचाना है और जीवों को बचाना है अगर जीना है। और अगर कुत्ते की मौत मरना है, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मनुष्य कुत्ते की मौत मरेगा, उसका सीधा सीधा अर्थ इतना सा है कि कुत्ते की आयु अधिकतम 20-30 वर्ष होती है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसा दिन ना आए तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जंगल बनाएं बड़े से बड़े और अपनी ज़मीनों में भी बड़ पीपल लगाएं, साथ में सभी जीवों की रक्षा करें। गौमाता तो है ही, गाय सबसे प्राथमिक है क्योंकि 24 घंटे ऑक्सीजन देती है और उसके जितने भी गव्य हैं, गौमूत्र है, घी है, दूध है, वो सभी अमृत है। और इनसे भी बढ़ के अगर कुछ है गौमाता के पास तो उसके मुँह की लार, बछड़े की मुँह की लार, जब बछड़े को या बछिया को 2 थण का दूध पिला के आप सीधा निकाल लेते हैं तो वही दूध अमृत होता है। आज हम शोषण ही शोषण कर रहे हैं, गाय के 4 थण का दूध निकाल लेते हैं और जिसके चलते हुए बाद में वो दूध हम पीते हैं तो वो दूध हमें बहुत नुकसान करता है। तो केवल 2 थण का दूध निकाले, 2 थण से अधिक गाय का दूध आप पियोगे तो दूध नहीं वो खून है। 2 थण का दूध बछड़े के लिए और 2 थण का दूध हम लोगों के लिए। तो ये सब करें, निश्चित रूप से आप सब ठीक होंगे। गौ माता की जय हो, वंदे मातरम, जय गौ माता, जय धरती माँ। आपका एक बार अगर आपत्ति ना हो तो मोबाइल नंबर और बता दें। मेरा नंबर है 820-910-3722। तो ये मोबाइल नंबर है, मैंने सिर्फ इसलिए
बताया है कि बहुत सारे लोगों को शंका रहती है, फिर भी आप इनके पास कम से कम फ़ोन करें, इनके घर जाके इनकी रसोई देखें और इनसे मिलें तो बहुत अच्छा होगा। और एक रोगी जो जिसकी रोबोटिक सर्जरी बोला था, वो रोगी तीसरी बार दवा लेने आया, पहली बार वो किसी से पूछा और वो भ्रम में रहा और वापस चला गया, दूसरी बार फिर किसी ने भ्रमित किया और वापस चला गया, तीसरी बार वो आया तो 60 लाख रुपए की बचत गौ माता ने की, 60 लाख रुपए का खर्चा मेदांता और टाटा मेमोरियल ने बताया था, और मात्र 23,000 रुपए की लागत में वो ठीक होके गया। और उसने संकल्प लिया कि हर साल 7,000 बड़ पीपल लगाऊंगा जब तक जिंदा रहूंगा, क्योंकि वो 60 लाख का ब्याज ही लगाएगा पेड़ों के माध्यम से। तो आप सब प्रकृति की ओर लौटें। वंदे मातरम, जय भारत।